चेत सुदुराचारो अपि, यदि अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाक माम भजते, अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है, स साधु एव मंतव्य, वह सत्पुरुष ही मानने योग्य है कि सह सम्यक व्यवसिता, क्योंकि वह समुचित निश्चयवान है। चेत सुदुराचारो अपि अनन्य भाक माम भजते, स साधु एव मंतव्य कि सह सम्यक व्यवसिता। भावार्थ, यदि कोई अजामिल जैसा अत्यंत दुराचारी भी अव्यभिचारी भाव से श्रद्धा पूर्वक मुझे याद करता है, तो वह भी एक निष्ठ होने से सत्पुरुष ही मानने योग्य है, क्योंकि वह शिव बाबा में समुचित निश्चयवान है। बाकी अनिश्चय देह से नष्ट हो जावेंगे। तो ये समझ होती है, ये तो हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, और हल्के फुल्के पापी नहीं, अजामिल जैसे पापी हैं। अजामिल ने क्या किया? जो अजामिल का मिसाल दिया है, अपने सती साध्वी पत्नी को छोड़ करके किसके पीछे लग गया है? वैश्या के पीछे लग गया। अजामिल कहा ही उनको जाता है, जो बहुत व्यभिचारी बनता है। तो परम प्रिय ऐसा बाप, बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, और साकार मनुष्य सृष्टि के मुकरर रथ में आया हुआ बाप, तो सर्व मनुष्य मात्र का बाप भी साबित होता है। ऐसे साकारी सुनिराकारी बाप को कहते हैं कि मुझे याद करो, कहते हैं ना, माम एकम याद करो। अगर मुझे एक को ही याद करेंगे और किसी को याद नहीं करेंगे, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के जो भी पाप हैं, कितने भी पाप हों, अजामिल जैसे पाप हों, सब खलास हो जाएंगे। कोई इस एक जन्म की बात थोड़ी है, इस जन्म में जो पवित्र रहे, ये तो ब्राह्मण जीवन है, ये तो हुआ, इस जन्म की बात हुई। परंतु पास्ट के जो भी जन्म जन्मांतर हैं, जिनके ढेर सारे पाप तुम्हारे सिर पर चढ़े हुए हैं, और वो तुमने पाप भी किए हैं, जब पाप किए हैं तो गुलानी भी किए। सर्वव्यापी बोला है ना जन्म जन्मांतर, यानी बाप की गुलानी की। वो सत्य बाप ही आकर के सत्य का परिचय देते हैं, बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे ही नहीं सकता। तो बाप जो आकर के परिचय देते हैं, उस परिचय को समझकर, सुनकर, धारण करके औरों को जो धारण कराते हैं, वो फिर बाप का सत्य परिचय देते हैं, सच्ची जानकारी देते हैं। और बाप की सच्ची जानकारी जिनको मिलती है, तो सही रूप में याद करते हैं। तो उनको फिर अजामिल नहीं कहा जा सकता, अनिश्चय बुद्धि। आगे अनिश्चय बुद्धि विनश्यति, क्या विनाश हो जाता है? पद का विनाश भी हो जाता है और देह का भी विनाश। देह रहते रहते नई दुनिया में नहीं जाएंगे, देह खलास हो जाएगी, भूकंप आएंगे, एक दो मंजिल से लेकर के सैकड़ों मार ऊंची मंजिल के मकान धराशायी होंगे, और सब तरफ तरफ के कोई की बांह दबेगी, कोई की टांग दबेगी, कोई की गर्दन दबेगी, सब हाय हाय करके मरेगा।
और तब तक मरते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे जब तक उनका देहबान पूरा खत्म नहीं होता। तो इस जन्म में जीते जीते बाप का वर्षा लेंगे अतीन्द्रिय सुख का, या अगले जन्म में लेंगे? है इस जन्म में लेंगे जो विनाश में भूकंप में दब करके मरेंगे हाय हाय करके, है इस जन्म में वर्षा लेंगे? ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा लेंगे? अगली पीढ़ियों में वर्षा लेंगे, देवताओं से देव आत्माओं से वर्षा लेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, लेकिन भगवान से वर्षा नहीं। जो ऊंचे ऊंचे भगवान है